हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद से रजी अल्लाह ताला, ये भी मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। हुजूर फरमाते मा बअसल्लाहु मिन नबीयिन फी उम्मतिही कबली इल्ला काना लहू हवारियून व असहाब। अल्लाह ने मुझसे पहले किसी भी उम्मत में किसी नबी को नहीं भेजा मगर उसके कुछ ना कुछ हवारी, कुछ ना कुछ असहाब तो होते थे ना, दो हो, चार हो, दस हो, बारह हो। हजरत ईसा के हवारी बारह थे, ईमान लाने वाले कुल कहते हैं 72 थे, बाहर कुछ ना कुछ साथी हमारी यू ना बासाब। या खुजून बे सुन्नते ही या तदून बे अम्र ही, वो क्या करते थे वो हवारी और साहबा, अपने नबी की सुन्नत को मजबूती से पकड़ लेते थे और उन्हीं के अहकाम की पैरवी करते थे। यकतदून बे अम्र ही, इक्तदा करते थे, पैरवी करते थे। सुम्मा इन्ना तखलुफु मिन बादिहिम खुलूफुन, फिर हमेशा ऐसा हुआ है के बाद में कुछ ऐसे नाखलफ उठे, यफालूना यकूलूना माला यफालून व यफालूना माला युमरून, के वो कहते वो थे जो करते नहीं थे और करते वो थे जिसका हुक्म ही नहीं हुआ। उर्स मनाए जा रहे हैं, ये कोई अल्लाह के रसूल का हुक्म है क्या? रसूल के सहाबा का अमल है क्या? हुजूर का उर्स बनाया गया? ईद मिलादुन नबी एक नई ईद हो गई है क्या? इसका हुक्म दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने? या फलूना माला यूमरून, वो अपनी ही जात करदा रिवायात हैं, अपनी ही जात करदा बिदात हैं, अपनी ही जात करदा रसूमात हैं, उन पर लगे हुए हैं और दावे करते हैं अल्लाह से मोहब्बत रसूल के इश्क के, जबकि उनके अमल में ना अल्लाह की इताअत है ना रसूल का इत्तेबा है। अब जब ऐसी सूरत पैदा हो जाए तो क्या करें? फमन जाहदहुम बियदिही फहुवा मोमिनुन, तो जो मुसलमान भी उनके खिलाफ जिहाद करेगा अपने हाथ से अपनी ताकत से वो मोमिन होगा। फमन जाहदहु बिलिसानिही फहुवा मोमिनुन, और जो उनके खिलाफ जिहाद करेगा अपनी जबान से वो भी मोमिन होगा। वही तीन दर्जे, वमन जाहदहुम बिकल्ब ही फहुवा मोमिनुन, दिल से नफरत रखकर जो जिहाद करेगा बिलकल्ब वो भी मोमिन होगा। फमा वरा ज़ालिक मिनल ईमान हब्बतु खरदल, इसके बाद तो ईमान राई के दाने के बराबर भी नहीं है। रब रब कर दे सारे, रब दा खोज खुराना लब्बा अते ना कीते बई नजार।